सो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। जैसे कि यार आज के दिन हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में यार, जो आपके एक मन के अंदर की बात है आपके साथ शेयर करूंगा। आज की वीडियो के अंदर हम किसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात नहीं करने वाले, आज कोई एक अलग अपना टॉपिक है, ठीक है। ऐसी ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, और वैसे भी मैं एग्जाम से जस्ट एक या दो महीने जब थोड़ा सा टाइम होता है तभी यार मैं ये चीज आपको बता दूं ताकि यार आपकी एक प्रोडक्टिविटी ओवरऑल पूरे दिन की कैसे बढ़ाई जा सके, कैसे यार कुछ एक चीजों को अप्लाई कर सकते हो। जो यार चीज मैं आपको इस वीडियो में आज बोलने वाला हूँ, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कुछ लाइफ से रिलेटेड चीजें यार, अगर आप फॉलो करते हो तो मुझे लगता है यार आप अपने रिजल्ट को मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली मैं कह रहा है यार जो चीज मैं वही बोलता हूँ यार, जो चीज मैंने जिस फेज से अभी आप चल रहे हो और जिस फेज से यार मैं भी ऑलरेडी निकल चुका हूँ, और ये सब चीज मैंने अप्लाई की थी और मुझे रिजल्ट मिला है। और मेरी ही बात नहीं करूं तो दूसरों की बात भी करूं तो बहुत सारे ऐसे जो होते हैं जो अच्छे अच्छे टॉपर्स निकलते हैं, या फिर कोई भी एक अच्छा स्टूडेंट होता है यार, एक एवरेज मान लो, जो टॉपर मान लो, तो यार वो इन चीजों को अधिकतर फॉलो करते ही होंगे, ठीक है। सब नहीं करते, सबके साथ चीजें नहीं होती, पर लेकिन अधिकतर मोस्टली चीजें जो स्टूडेंट्स है फॉलो करते हैं जो कि ज्यादा मतलब अच्छे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है आप तो अच्छे बच्चे हो, आप जरूर फॉलो करोगे, ठीक है। तो यार देखो ऐसा कुछ है, कुछ यार बातें हैं मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं कि यार सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं, ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करूंगा। देखो मैं यार कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको हर एक दिन का कोई टाइम टेबल नहीं बता रहा हूं कि आपको ये चीज फॉलो कर लो, मतलब कि हर 2 घंटे में ये करो, सुबह का करना है, दिन में क्या करना है, शाम को, रात को, मतलब हर चीज का पूरे एक एक आधे आधे घंटे, एक एक घंटे में क्या करना है, 2 घंटे में क्या करना है, हर चीज की कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ कोई एकदम परफेक्ट कुछ कुछ इससे 2-3 चीजें आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए बस। जैसे सबसे पहले चीज मैं बोलता हूँ कि जैसे आप पूरे दिन का आपने शेड्यूल फॉलो कर लिया, ठीक है, रात को जब भी हम बेड पर सोने जा रहे हैं तो क्या करो, सोने से पहले यार 5 मिनट हो सकता है, 5 मिनट निकाल सकते हैं, 5 मिनट तो हम फोन ही चला लेते हैं, ठीक है, पर लेकिन बस सोने से पहले 5 मिनट निकाल लो, 5 मिनट तो नहीं चलो 2 मिनट निकाल लो, ठीक है। जिसके पास टाइम नहीं इतना कि भैया टाइम नहीं है 5 मिनट का, चलो ठीक है 2 मिनट निकाल लो, 2 मिनट के अंदर क्या करो यार, मतलब बैठ के कुछ नहीं करना है, लंबी सांस लो, अंदर गहरी सांस लो, आंखें बंद करके एकदम होता है ना अपने पास योगा वाली पोजिशन में बैठ के, एकदम योगा वाली पोजिशन में बैठना है, ठीक है, पैर वैर सब एकदम फोल्ड करके योगा वाली पोजिशन में बैठना है। योगा नहीं करना है, योगा आपको बाद में बताऊंगा कब करना है, अभी ओनली क्या करना है, रात को बस आप जो जिसको आप मानते हो, आपके यार चाहे वो पेरेंट्स हो सकते हैं, चाहे यार आपकी कोई भी मतलब आपके यार वो ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो या फिर कोई भी मतलब भगवान हो, जिसको भी आप मानते हो, या फिर आप अपनी खो सकता है कोई यार अपने मतलब जो वो पढ़ रहा है, जो बुक्स है उसको ही मानता हो, जिस भी चीज को आप मानते हो, या खुद को ही मानते हो कि भैया मैं इधर उधर विश्वास नहीं करता हूँ, खुद को ही मानता हूँ, जिसको यार मानते हो 2 मिनट के लिए उसको याद करो, ठीक है। और ये याद करो कि आज के पूरे दिन में मैंने क्या किया, ठीक है, ओनली इतना याद करो कि यार आज के पूरे दिन में मैंने कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट किया, ठीक है, मतलब टाइम वेस्ट का मतलब ये कहाँ मेरा टाइम वेस्ट हुआ और कहाँ नहीं होना चाहिए था, ठीक है, मतलब एक गलतियां ढूंढनी कि मेरे को कहाँ मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए था, और बल्कि ये हो गया है तो इसको मैं कैसे मतलब कवर अप कर सकता हूँ। तो ये चीज थोड़ा सा काउंट कर लो, 2 मिनट के अंदर बहुत हो जाएगा, 2 मिनट से लेकर 3 मिनट 5 मिनट के अंदर ये चीज हो जाती है, मतलब पूरे दिन का सोचना है कि मतलब आपने कितना पढ़ा, मतलब कितना आपने पढ़ाई को दिया, कितना टाइम आपने कहाँ दिया, या फिर आ सकता है किस दिन ऐसा होता है हमारे साथ कि कोई बड़ा काम आ जाता है, कोई फैमिली फंक्शन हो जाता है, ठीक है, वहां पर कितना टाइम चला गया, ठीक है, ये सब चीज थोड़ा सा कवर करके सोचो, और ये सोचो कि यार मुझे अगले दिन क्या करना है, और जितना टाइम वेस्ट हुआ है इसको अगले दिन कैसे कवर अप करना है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, 90% स्टूडेंट्स ये चीज नहीं करते हैं, इसलिए यार उनको रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिल पाता, क्योंकि देखो पढ़ाई से हटके पढ़ाई से रिलेटेड भी यार हमको ऐसी कोई चीज हमारे लाइफ से रिलेटेड होती है जिनको हमको थोड़ी देखनी होती है, जिनको चीजों को ध्यान रखना होता है, ठीक है। हरदम ऐसे नहीं कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं, ठीक है, पर साथ साथ में कुछ अदर एक्टिविटीज का भी ध्यान रखो ताकि यार हम उस चीज की प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ाई कर सके, ठीक है, मतलब स्मार्ट वर्क कर सके, बोलने का मतलब स्मार्ट वर्क कर सके। नेक्स्ट होती है यार उसके बाद, चलो ठीक है आप सो गए आराम से, उसके बाद जब भी हम उठते हैं तो उठने के बाद सेम चीज आपसे रिपीट कर रही है कि आज आपको अगले दिन जो आपने सोचा था कि मुझे करना है, तो ये चीज आप सोचनी है आपको, अब मुझे पूरे दिन क्या करना है, क्या चीज मेरा रहने वाला है, मतलब आज क्या करना है मेरे को, क्या नहीं करना, वो सब चीज पूरा रूटीन आपको देखना है कि मतलब ठीक है आज मैं कितने घंटे पढ़ूंगा, कितना टाइम जो मेरा कल वेस्ट हुआ था वो मुझे आज नहीं करना है, वगैरह वगैरह सब कुछ 2 से 3 मिनट के अंदर आप सोच लोगे, या फिर सेम चीज आप जिसको भी मानते हो उसके बारे में सोचो, याद करो कि है भगवान मेरा पूरे दिन अच्छा जाए, सबसे बेस्ट दिन हो, मतलब जो भी आप बोलना चाहते हो, हर दिन अपने बारे में कुछ अच्छा वैल्यूज एक अपने आपको दे पाओ, वो सब कुछ सोचना, ठीक है। ये यार इसका ऐसे नहीं कि कुछ ऐसे यार मैं बोल रहा हूँ फालतू, ये चीज नहीं है, ये चीज मैंने खुद ने अप्लाई की थी और मैं अभी भी ये चीज करता हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये चीज मैं अभी भी करता हूँ, आप मानोगे नहीं, हो सकता बहुत सारे स्टूडेंट नहीं मान रहे, पर यार मैं सच ही बोल रहा हूँ यहाँ पर खड़ा होकर चैनल के ऊपर कि यार मैं ये चीज अभी भी करता हूँ। और मैं जब भी 12th में था, जब आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तब यार मैं डेफिनेटली चीज करता ही था, और रिजल्ट मुझे मिला है और अभी भी मिलता है, ठीक है। आप ट्राई करना यार, जिसको ट्राई करोगे उसी को पता चलेगा रिजल्ट कितना मिलता है,
ठीक है, ये सब भी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कुछ हमारी स्लीपिंग टाइम के बारे में। देखो मैं बोलना चाहता हूँ कि आपकी जो भी स्टेज है यार, वो स्टेज हमारी पढ़ने की, हमारी ये चीज नहीं कि हम दुनिया को एक्सप्लोर करें, हमारी वो चीज नहीं कि हमारी हम दुनिया से बाहर निकले या फिर मतलब अपने घर से बाहर निकले, लोगों से मिले, घूमे फिरे, वो चीज स्टेज नहीं है। ठीक है, वो स्टेज कब होती है, जब आप कॉलेज के अंदर एंटर हो जाते हो। कॉलेज लाइफ एक ऐसी लाइफ है जहां पर हमको पढ़ाई के साथ साथ दुनिया को एक्सप्लोर करना होता है, हमारी लाइफ को एक्सप्लोर करना होता है, हमारे लिए कुछ करना होता है, अपने ऊपर काम करना होता है, अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। एक कॉलेज लाइफ में आने के बाद अपनी लाइफ के मतलब करियर के बारे में सब कुछ, वो सब चीज। अभी क्या काम है, अभी अपना ओनली पढ़ाई का काम है भाई, एक पढ़ाई करना है, अच्छा खासा कॉलेज लेना है, बस अभी ओनली इतना काम है। तो इस स्टेज के लिए मैं चाहता हूँ कि एक अपना टाइम डिसाइड कर लो कि मुझे इतना टाइम तो मिनिमम सोना ही होगा। ठीक है, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप 10 से लेकर 5 बजे तक सो या फिर आप 11 से 5 बजे तक सो, मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मतलब ये बोल रहा हूँ कि ओवरऑल बात करूँ तो आप दिन के मिनिमम 6 घंटे सो जाओ तो बहुत है, 6 आवर्स। ठीक है, मिनिमम 6 आवर्स, हो सकता है कोई 8 आवर्स भी सोता हो, कोई 7 आवर्स भी सोता हो, कोई 5 भी सोता हो, तो मिनिमम एवरेज मान के चलो तो आप 6 आवर्स कर लो कि भैया मुझे 6 आवर्स सोना है, या फिर कोई 6:30, 7 आवर्स, जितना भी आप सोते हो मतलब फिक्स करो। ऐसे नहीं कि मतलब आज 6 हो गया फिर कल 5 हो गया, कभी 10 आवर्स हो गया, कभी 8 हो गया, ये चीज मत करो। ठीक है, अब 6 आवर्स की अगर मैं मिनिमम बात करूँ, मिनिमम यार मैं एवरेज बात करूँ, एक स्टैंडर्ड बात करूँ, तो यार वो 6 आवर तो चाहिए होता है। ठीक है, आप जिस स्टेज में हो भी, ठीक है, कॉलेज लाइफ के अंदर आने के बाद बोला मतलब कोई फिक्स नहीं होता टाइम का, कॉलेज लाइफ के अंदर आने के बाद हमारे हिसाब सब कुछ चलता है, भले आप 4 घंटे सो रहे हो, 6 घंटे सो रहे हो, क्या वो सब डिपेंड करता है कि हम क्या फील्ड में काम कर रहे हैं, अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है, आगे बात करेंगे किसी वीडियोस के अंदर कॉलेज के अंदर आप कैसे अर्न कर सकते हो, बहुत सारे वेज भी होते हैं। ठीक है, कॉलेज के साथ साथ अर्न करने के, अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करने की, वो सब चीजें हम आगे बात करेंगे। अभी हम पूरा फोकस करेंगे एग्जाम के ऊपर। ठीक है, अभी हमारा टारगेट एक है, एक अच्छा टॉप कॉलेज में एंट्री मारना। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा हूं, तो एक चीज हमारा डिफाइन कर लो, बस वो चीज फिक्स रखनी है। ठीक है, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास यार एक और चीज होती है, थोड़ी सी खाने पीने का ध्यान रखो यार, खाना पीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस वक्त। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी खा लिया या कभी खाया ही नहीं, बिना खाना खाया ही सो गया। ठीक है, तो यार माइंड को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो माइंड है यही सब काम कर रहा है और यही हमारा एग्जाम में साथ देगा, ये इसका तो हम थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ये हमारा ध्यान रखेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, एग्जाम के अंदर ये तो काम आएगा यार, इसको थोड़ा फास्ट दौड़ाना है, एकदम घोड़े की तरह दौड़ाना है, तो इसको दौड़ाने के लिए इसको थोड़ा अच्छा खाना पीना देना पड़ेगा। क्लियर है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखो यार खाने पीने का, चीजें अच्छी खाओ, थोड़ा खाने के अंदर सैलेड लो। ठीक है, सैलेड थोड़ा फायदा करेगा आपको। ठीक है, और ब्रेन को थोड़ा सा एक एनर्जी पावर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, बस वही चीज है। खाने पीने का ध्यान रखो, आप जानते हो यार मुझसे ज्यादा कि क्या अच्छा है आपके लिए क्या बुरा है। उसके अलावा एक और चीज बात करता हूँ जो यार छोटा सी एक और बात है, वो यार जैसे आप पढ़ाई करते हो तो हम जानते हैं कि पढ़ाई के दौरान हम छोटे छोटे ब्रेक लेते हैं। ठीक है, अब ब्रेक लेते टाइम क्या करना है हमारे को, कुछ नहीं करना, सुनो, ब्रेक लेते टाइम जैसे ब्रेक तो लेने ही होते हैं, आप जैसे मान लो 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, तो एक छोटा सा 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक ले लो। उस ब्रेक के अंदर क्या करना है, जितना हो सके ना पानी पियो, सबसे बड़ी चीज होती है। पानी पीने से क्या होगा ना, सुनो मेरी बात सुनो, आपके जो ब्रेन के अंदर थोड़ी सी एनर्जी एक्स्ट्रा मिलेगी और आपकी पूरी बॉडी एक अच्छे और फास्ट तरीके से मल्टीप्लाई बाय 2 वर्क करने लग जाएगी। सुन मारे हो, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। सुन मारे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड सुना होगा ना फिजिक्स के अंदर, वही चीज है, काम इंस्टेंटेनियस होता है, चीजें इंस्टेंटेनियस हो जाती है, बात सुन मारी है, एक अलग से एनर्जी हो जाती है। मैं बोल रहा हूँ उसके बाद जब आप फिर से बैठोगे ना 5 मिनट का ब्रेक लेकर पानी पी के, बढ़िया सा 2 गिलास पानी पी लो, 3 गिलास पानी पी लो, जितना भी आपको पीना हो। ठीक है, टायर्ड फील नहीं होगा, ऐसे बर्नआउट जो आपको लगेगा वो नहीं होगा। ठीक है, इसे बोलता हूँ कभी बर्नआउट लगता है ऐसा होता है, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी पियो, बाहर जा जाओ, घूम के आ जाओ, टीवी देख लो, कुछ भी कर लो, 5 से 10 मिनट, बस ज्यादा नहीं, 15 मिनट मान लो, इससे ऊपर नहीं होना। ठीक है, तो ये सब चीज क्लियर है, तो ये सब मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर इन चीजों पर ध्यान दोगे ना तो मुझे लगता है आप प्रोडक्टिव कर सकते हो अपने पूरे दिन को। बयान नहीं कर रहा हूँ यार, चीजें बहुत आसान थी दिखाई देती है, ये स्टूडेंट्स खुद यार मैं खुद से सुना है स्टूडेंट्स से। ठीक है, मैंने अप्लाई भी किया और सुना भी है, जो खुद अप्लाई करते हो बोलते हैं कि यार लगता है कि मतलब चीजें आसान हो रही है, जो चीज आपको पहले लगती थी कि इम्पॉसिबल है ऐसा लगता है कि यार चीजें आसान हो रही है, जो चीज मुझे याद नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन हाँ अब वो मैं अच्छे से याद कर पा रहा हूँ, ऐसा लगता है। ये एक्चुअली में होता है यार, अब आप इसको कुछ भी समझ लो यार। ठीक है, एक्चुअली में ऐसे बायो वाले स्टूडेंट्स ज्यादा इसमें समझते होंगे कि हमारा क्या हो रहा है शरीर में, कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं अलग अलग। ठीक है, खैर आपको अगर एक दो प्रोसेस का नाम याद हो जो मैं बोल रहा हूँ इनके प्रोसेस में क्या बोलते हैं बायोलॉजी के टर्म्स में, तो जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना। ठीक है, तो बाकी उधर ये चीज है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस वीडियो के अंदर, बस छोटी सी वीडियो आपको बतानी थी। फॉलो करो यार, चीजें फॉलो होती तो मुझे लगता है अच्छा होगा आपके लिए, और मेरा तो काम है यार आपको अच्छी से अच्छी वैल्यूज देना, आपको अच्छी से चीजें सिखाना। इस चैनल के ऊपर यही आपको मिलता है यार, सब कुछ लाइफ से रिलेटेड, एजुकेशनल मोटिवेशनल चीजें, सब कुछ नॉन एकेडमिक चीजें। ठीक है, और वीडियो को शेयर करो यार, बाकी तो सब चीज है, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और मिलते अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।